हेलो टू एवरीवन वन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यु यू आई एस यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हरियाणा स्पेसिफिक सो लेट्स बिगिन विद द सेशन देखिए जो फर्स्ट हमारा न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू हेली हब गुरुग्राम के अंदर ये फिफ्थ हेली हब बनने वाला है इंडिया के अंदर इसके पहले जो है चार हेली हब को प्रपोज किया गया इन न्यू हेलीकॉप्टर पॉलिसी सो नई हेलीकॉप्टर पॉलिसी है जिसके तहत ये प्रपोज किया जा रहा है दैट फोर हेलीह वुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री अब ये चार हेलीहब्स कौन से हैं जैसे कि एच एल एयरपोर्ट बैंगलोर, जूहू मुंबई महाराष्ट्र गुवाहाटी असम में एंड डेली अब इसी के अंदर एक फिफ्थ हेली हब को भी प्रपोज किया गया दैट इज गुरुग्राम हेली हब ये फिफ्थ हेली हब होगा कंट्री के अंदर एंड फर्स्ट होगा हरियाणा स्टेट के अंदर करेक्ट अब ये जो हेली हब है गुरुग्राम के अंदर ये इसके ऊपर काफी काम चल रहा है लैंड को अलॉटमेंट कर दिया गया है इस तरीके से बट इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज होंगी इसमें वो फैसिलिटीज होंगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट रिफ्यूलिंग फैसिलिटी होगी पार्किंग रिफ्यूलिंग फैसिलिटी होगी एंड रिपेयर फैसिलिटीज होंगी बेसिकली so क्या है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है इसमें ये फैसिलिटीज तो ऑब्वियसली हैं तो इससे क्या हो जाता है एयर ट्रैफिक प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट में काफी देखने को मिलती है तो जब हमारा हब गुरुग्राम बनना ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा तो फिर यहाँ की ट्रैफिक जो है कुछ हद तक यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है तो ऑब्वियसली आई एयरपोर्ट को भी बेनिफिट होगा और हेली हब गुरुग्राम को भी बेनिफिट होगा राइट तो ये एक इंपॉर्टेंट uh, अपडेट uh, uh, है रिगार्डिंग दिस नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक वर्ड है जो हमने बहुत सुना है न्यूज़ चैनल्स में हम लोग सुनते रहते हैं गोरख धंधा सो बेसिकली रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू की गई हरियाणा स्टेट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दैट नाउ ऑनवर्ड्स देयर इज अ बैन देयर नोबडी कैन यूज द वर्ड गोरख धंधा तो so, कोई भी official communication है state का, वहां पे आप इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते जनरली इस वर्ड को यूज किया जाता है unethical practices को uh, mention करने के लिए, तो इस वर्ड को यूज किया जाता है नाउ ये जो नोटिफिकेशन है ये वर्ड क्यों इसको बैन किया गया बेसिकली बैन इसीलिए किया गया क्योंकि uh, एक गोरखनाथ कम्युनिटी है उनका डेलीगेशन आ, आ, ने उनके डेलीगेशन ने अर्ज किया था गवर्नमेंट को हरियाणा गवर्नमेंट को दैट कहीं ना कहीं ये गोरख धंधा यूज करके वर्ड को हमारे जो सेंटिमेंट्स है जो सेंटिमेंट्स है फॉलोअर्स ऑफ संत गोरखनाथ उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं सो so आप प्लीज इसको जो है बैन कीजिए या बंद कीजिए जो भी जिस हिसाब से भी आप करना चाहते हैं सो अल्टीमेटली डिसीजन लिया गया चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने उंस ऑन द यूज ऑफ कॉमनली यूज टर्म गोरख धंधा टू डिस्क्राइब द अनएथिकल प्रैक्टिस अंडरस्टैंड अबाउट गुरु गोरखनाथ इनके बारे में पढ़ते हैं ही वॉज अ सेंट योगी थे ठीक है काफी ऑल ओवर इंडिया इन्होंने ट्रेवल किया बहुत सारे टेक्स्ट इन्होंने कंपोज किए इन फैक्ट जो टेम्पल है गोरखनाथ जी का दैट इज लोकेटेड इन द गोरखपुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश ये जो डिस्ट्रिक्ट है इज नेम्ड गोरखपुर आफ्टर गोरखनाथ जी ठीक है गोरखनाथ के के ऊपर ही ये डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है और इनके जो डिसाइपल हैं, गोरखनाथ के वॉज बाबा भैरोनाथ बाय माता वैष्णो देवी तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ भी सकते हैं इट इज एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू कैन गेन इट ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरियाणा सांझी उत्सव हरियाणा सांझी उत्सव अच्छा ये उत्सव क्या है ये उत्सव शुरू हुआ है और ये उत्सव शुरू हुआ है कुरुक्षेत्रा के विरासत हेरिटेज विलेज में जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जॉइंटली बाय द आर्ट एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्रा के द्वारा राइट इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखिए इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्स डिस्ट्रिक्ट जो है ज़िले हैं हरियाणा के वहाँ से टीम्स आएंगी और वो टीम्स को प्राइजेस दिए जाएंगे कैश प्राइजेस दिए जाएंगे इस तरीके से और वो जो टीम्स हैं वो कुछ ना कुछ अपना जो है इवेंट ऑर्गेनाइज uh, करेंगे कुछ ना कुछ अपना जो फोक uh, डांस है फोक आर्ट है उसको uh, uh, मतलब प्रेजेंट uh, करेंगे इट इज़ नोट वर्दी डैट हरियाणा साझी उत्सव इज बींग ऑर्गेनाइज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द स्टेट लेवल पहले क्या था लोकल रीजनल लेवल पे बट स्टेट लेवल पे पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है राइट right? सो so, यहां पे इन इवेंट्स के अंदर यू विल बी फाइंडिंग द फोक आर्ट ऑफ हरियाणा देन एग्जीबिशन ऑफ एंशियंट थीम्स ऑफ हरियाणा ये सारी सेंट्रल स्पेशल अट्रैक्शन होगी राइट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये जो सांझी फेस्टिवल है ये रहेगा टिल अक्टूबर 15 तक 15 अक्टूबर तक रहेगा एंड डिफरेंट कलर्स जो है हरियाणा कल्चर के इस फेस्टिवल के अंदर रिप्रेजेंट होंगे अंडरस्टैंड इसमें फोक डांस है कस्टम फोक ट्रेडिशन कल्चरल ग्रेम्स ऑफ एंटायर हरियाणा विल बी सीन इन दिस एंटायर फेस्टिवल राइट सो so, टीम्स आएंगी कुरुक्षेत्र अंबाला फरीदकोर कैथल इन सारे ये सारी टीम्स यहाँ से आएंगी और यहाँ से पार्टी यहाँ पे फिर पार्टिसिपेट पार्टिसिपेशन इनका होगा राइट right? नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टू प्रमोट द टूरिज्म हरियाणा गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन टू लॉन्च होम स्टे स्कीम ट्वेंटी होम स्टे स्कीम ट्वेंटी अब इस स्कीम में है क्या ऐसा देखिए आपको पता है कि कोविड की वजह से कोविड की वजह से टूरिज्म को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और उस इम्पैक्ट को थोड़ा कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की इस स्कीम में क्या किया जाएगा जितने भी हाउस ओनर्स हैं उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत उनको बेनिफिट मिलेगा अब ये जो हाउस ओनर्स हैं अलाउिंग द हाउस ओनर्स टू प्रोवाइड द होम स्टेज टू द टूरिस्ट तो जितने भी टूरिस्ट हैं वो इन हाउस ओनर्स के uh, जो अकोमोडेशन है वहां पे रह सकते हैं बट विद द प्रोविजन कि ये प्रॉपर होम स्टे स्कीम के तहत uh, आते हूं एलिजिबल हूं राइट चलिए सो बेसिकली विल सून बी एबल टू स्टे जितने भी टूरिस्ट हैं हरियाणा के अंदर दे सून बी एबल टू स्टे लोकल फैमिली टू एक्सपीरियंस द लोकल कल्चर एंड रिलेश स्टेट्स ऑथेंटिक क्विजीन ठीक है सो so, ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है नाउ इस स्कीम के तहत कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया देख लेते हैं सो so, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि होम स्टेस के बारे में है इंसेंटिव दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है वो बताया गया है इंस्पेक्शन पोलिस वेरिफिकेशन मार्केटिंग प्रमोशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर अमंग द पैरामीटर्स दैट आर लेड डाउन अंडर द स्कीम राइट इस स्कीम के तहत कोई भी हाउस है जो लोकेटेड है विद इन द जुरिडक्शन ऑफ म्युनसिपल बॉडी तो म्युनिसिपल बॉडी के अंदर कोई भी उसकी जुरिडक्शन उसके दायरे के अंदर कोई भी हाउस आता है वो एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए और ना ही उसको कोई बेनिफिट या सब्सिडी मिलेगी इस स्कीम के तहत साथ ही साथ जितने भी एग्जिस्टिंग ओयो प्रॉपर्टीज हैं या एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज हैं या फिर बिजनेस टू बिजनेस प्रोपराइटर्स है दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम अंडरस्टैंड सो ये स्कीम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हरियाणा के प्रिलिम्स के लिए कोई भी एग्जाम है हरियाणा का वन डे एग्जाम है जहां पे प्रिलिम्स होता है दिस स्कीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम राइट अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म विल पब्लिश ऑन इट्स वेबसाइट लिस्ट ऑफ ऑल अप्रूव्ड होम स्टे यूनिट्स ठीक है उसके ब्रॉशर्स बनेंगे लीवलेट बनेंगे अदर पब्लिसिटी मटीरियल ऑल्सो भी डेवलप्ड एंड डिससेमिनेटेड एट द सुटेबल पब्लिक प्लेस इन दिस रिकॉर्ड राइट नाउ एज पर द स्कीम इस स्कीम के तहत कोई भी प्रोपराइटर है कैन रजिस्टर अ मैक्सिमम फोर फुली ओन्ड अकोमोडेशन रूम इन द स्कीम सो so, कोई भी प्रोपराइटर है वो रजिस्टर कर सकता है मैक्सिमम कितने चार फुली ओन्ड अकोमोडेशन रूम्स इस स्कीम के तहत जितने भी रूम्स हैं वो सेम हाउस के होने चाहिए एंड ऑल रजिस्टर्ड रूम्स शुड बी अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट राइट इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जितने भी रूम्स हैं पहली बात है चार रूम से ज्यादा नहीं होने चाहिए रजिस्टर और दूसरी बात यह है एक हाउस में ही जितने होने चाहिए रूम्स वो एक हाउस के होने चाहिए और जितने भी रूम्स होंगे जो रजिस्टर्ड हैं, दे आर सपोज टू बी मतलब उनको जो है दे आर अवेलेबल फॉर लेटिंग आउट उनको रखना पड़ेगा ठीक है एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोपराइटर ओनर मस्ट बी फिजिकली स्टेइंग इन द सेम हाउस तो इस तरीके से ये सारी के सारी कंडीशंस जो हैं है इसके अंदर इस स्कीम के तहत ताकि आ, इस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट किया जाए राइट right? नेक्स्ट हम लोग न्यूज देखते हैं नेक्स्ट हम लोग न्यूज देखते हैं एरियल सर्वेस को और मजबूत और जल्दी से जल्दी करने के लिए एक दृश्य जो है वो लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम क्या है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड ड्रोन इमेजिंग ठीक है ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड इसमें क्या है इसमें है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्विक डिस्पोजल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस ठीक है कि जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो जाए जितने भी सर्विस हैं उनका जल्दी से जल्दी डिस्पोजल हो जाए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लोग ये पर्टिकुलर शुरू करेंगे चीज इसमें क्या होगा पहले क्या होता था मैनुअल सर्वे अब मैनुअल सर्वे में वी नो दैट इट कंडक्टेड रेगुलर इंटरवल्स में होता है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है साथ ही साथ कॉस्टली होता है रिक्वायर मोर मैन पावर तो इसीलिए अब जल्दी से जल्दी क्विक डिस्पोजल के लिए एक तरीके से एरियल सर्वे किया जाएगा ड्रोन का यूज़ करके और उस सर्वे के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि कोई इलीगल इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रहा है ठीक है जैसे हमने पढ़ा था अरावली के ऊपर अरावली में बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा है जो इलीगली इनक्रोच करके रखा हुआ है लोगों ने राइट तो कैन बी कंट्रोल इसके द्वारा किया जा सकता है डिटेक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एरिया विदाउट प्लानिंग ये सब चेक किया जा सकता है राइट इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी कलेक्टेड फॉर इमेज एनालिसिस के लिए भी किया जा सकता है एंड दिस इज वेरी यूनिक इनिशिएटिव इन द स्टेट बहुत यूनिक इनिशिएटिव इसको माना जाएगा ये लिया गया है राइट ओके नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसीजन टू स्टार्ट टू स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स डिसीजन टू स्टार्ट टू स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स बेसिकली क्या है कि इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी सो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो लोग क्या करेंगे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन इन गुरुग्राम एंड कुरुक्षेत्र पहला तो सवाल आपका यही बन गया कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन पे स्टैब्लिश होने वाला है दो जगह होने वाला है गुरुग्राम एंड कुरुक्षेत्र के अंदर होने वाला है राइट right? एंड इसके अंदर होने वाला क्या है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए हरियाणा स्टेट फर्स्ट स्टेट है कंट्री के अंदर जिसने ये इनिशिएटिव लिया ताकि वो जो आ, आ, टीचर्स हैं ये इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर पाए ताकि टीचर्स को क्या मिल पाए टीचर्स को मिल पाए स्किल्स ठीक है लेटेस्ट स्किल्स के साथ उनको हॉन किया जाए उनकी और बेटर उनकी अप्रोच हो टूवर्ड स्टूडेंट्स ठीक है ताकि स्ट्रेंथन द स्कूल एजुकेशन ऑफ द स्टेट राइट सो so, इसमें जो है इन इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करिकुलम जो है टीचर्स एजुकेशन का विल बी इम्प्लीमेंटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन्स राइट तो आप इतना ध्यान देंगे कि इन uh, इंस्टीट्यूशन्स in में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स uh, का करिकुलम uh, रखा गया है ताकि टीचर्स को और उनकी स्किल्स को एडवांस करने का मौका मिले जितने भी टीचर्स हैं और साथ ही साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सो इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्पोर्टेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया है दो जगहों में राइट तो आज के लिए इतना ही एंड वी कवर द नेक्स्ट सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर वेरी सुन स्टे ट्यून विद अस एंड इफ यू हैव एनी क्वारी एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली मैसेज द इन द कामेंट सेक्शन राइट चलिए थैंक यू